हेलो, हैप्पी होली। दोस्तों, होली आने वाली है और होली आते ही जो मौसम होता है ना, वो एकदम खुशनुमा हो जाता है। मुझ पर तो होली का कलर पहले ही चढ़ गया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन होली खेलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? कि जो मार्केट के कलर्स आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि केमिकल से होते हैं। तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल है नहीं, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको तो बिल्कुल सूट वो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन तो क्या करें, हम होली खेलना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो हम क्या करेंगे कि होली वाले जो कलर्स है ना, वो हम घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमें हार्मफुल भी नहीं होंगे, हमें एलर्जी भी नहीं करेंगे, और होली का मजा भी ले सकेंगे इजीली। तो हम जो ये कलर्स बनाने वाले हैं ना, वो सिर्फ दो चीजों से बनाएंगे, जिसमें से एक चीज जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल भी होती है, सबके घरों में होगी भी शायद। अगर नहीं भी होगी ना, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, बहुत ही सस्ती सी चीज है, ठीक है। और जो दूसरी चीज हम लेंगे, वो भी बहुत सस्ती है और इजीली अवेलेबल भी होती है, बट अगर वो नहीं भी मिलती है ना, तो उसका अल्टरनेट मैंने बताया है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो होली है वो सेफ फुल रहे, बिल्कुल सेफ रहे और हार्मफुल ना हो और एलर्जिक ना हो बिल्कुल भी, और आपकी स्किन जो है वो ऐसे ही चमकती रहे, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हम कलर्स बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 मिनट में हम बनाकर तैयार कर लेंगे, ठीक है। और जो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे घर में ही मौजूद है, और कुछ चीज ऐसी है जो मार्केट में हमें लानी भी पड़े ना, तो इजीली अवेलेबल है, बट अगर ना मिले तो आप सेकंड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम सेफ होली के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं और अपने होली के कलर्स बनाते हैं। होली का कलर बनाने के लिए हम एक बोल लेंगे, और बोल में 5 बड़े चम्मच हम अरारोट या फिर कॉर्न स्टार्च डाल लेंगे। जितना भी आपको कलर बनाना है ना, उतना ही आप अरारोट इसमें ले लें। यहाँ पर मैंने ग्रीन फूड कलर का यूज़ कर रहे हैं। फूड कलर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ये 5 रुपये की छोटी सी शीशी मुझे मिल गई है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका अल्टरनेट मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो आप देख सकते हैं अगर आपको फूड कलर नहीं मिलता है तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप आगे देखते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस कलर को अच्छे से मिक्स करना है अरारोट के साथ में। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करें, बहुत ज़्यादा पानी इसमें मिक्स नहीं करें, नहीं तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कलर थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया है, तो अब हम इस सारे मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और अपने दोनों हाथों से मसलते हुए अच्छे से कलर और कॉर्न स्टार्च को, यानी जो अरारोट है उसके साथ में कलर को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से रगड़ते हुए हम दोनों चीज़ अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो कलर है कितना अच्छा खिल करके आ रहा है आप देख सकते हैं, और एकदम केमिकल फ्री हमारा कलर बनेगा, इससे बहुत ही अच्छा बनेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब इसको हम वापस से उसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन हमारा कलर अभी भी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो को आगे देखते रहिए। इसलिए इसी तरीके से हमने ये ग्रीन कलर बना लिया है, तो इसी तरीके से हम ऑरेंज बनाएंगे। और भी आपके पास जो भी फूड कलर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, उतने कलर के आप कलर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास जो जो कलर्स हैं ना, मैं सभी को इस तरह से अरारोट में मिक्स करके और इसका एक पाउडर फॉर्म बनाकर तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है कलर्स को बनाने के लिए। तो सिर्फ 2 मिनट लगी है हमें अपना कलर बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, दोनों हाथों की सहायता से मसलते हुए अच्छे से इसको मिला लेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मर्ज कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुल 7 तरह के, टोटल 7 तरह के कलर्स बना लिए हैं। अब हम इनको लगभग 12 घंटे के लिए, यानी ओवरनाइट के लिए मैं इनको रख रही हूँ, सूखने के लिए। ऐसे ही छोड़ देना है बस, कोई पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ऐसे आप इनको छोड़ दीजिए, और सुबह फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने पूरी रात के लिए इनको अच्छे तरह से सुखा लिया था, बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसको 1 या 2 बार हमें हल्का सा चर्न करना है। ये देखिए, चर्न करने के बाद में ये अच्छे से पिसकर तैयार है। आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए बोल में, आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप छानें, लेकिन अगर आप छानना चाहें तो छान सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कलर्स को मिक्सी में 1-2 बार चर्न करेंगे और उनको बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और यहाँ हमारे होली के रंग बन करके तैयार हैं।
तो मैंने दो कलर आपको पीस करके दिखाए हैं। इसी तरीके से हम सारे कलर्स को अच्छे से चयन कर लेते हैं। सिर्फ एक या दो बार चयन करना पड़ेगा जिससे कि सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एकदम पाउडर फॉर्म आ जाए। तो आप लोगों ने होली के कलर्स बनाने की विधि तो देख ली है, लेकिन जो हमने यहाँ पर फूड कलर का यूज किया है ना, वो काफी लोगों को नहीं मिल पाता है। वैसे इजीली अवेलेबल है, बट अगर वो ना भी मिले ना तो उसका ऑप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। तो अरारोट जो है वो तो इजीली मिल जाएगा, 50 रुपीज में मुझे 1 kg मिल गया था। तो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता सा पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है। और अगर आप अरारोट ना यूज करना चाहें ना, तो इसकी जगह आप टेलकम पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। जो भी हम पाउडर यूज करते हैं ना गर्मियों में, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो पाउडर तो होगा ही सबके घर में, तो हम टेलकम पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो उसका क्या ऑप्शन है? तो अगर आप ग्रीन कलर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, पालक के पत्ते लें, ठीक है। पालक के पत्ते लेकर के मिक्सी में डालकर उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसको अच्छे से पीस लें और फिर अरारोट के साथ में उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद में उसको आप छान लें और छान करके उसको ऐसे ही सुखा लें जैसे कि हमने इन फूड कलर्स को सुखाया था। पूरी रात के लिए आप इनको सूखने दें, सुबह अच्छे से ये हमारे इसको पीस लें, मतलब एक बार थोड़ा सा, और हमारा ग्रीन कलर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। पिंक कलर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चुकंदर लें, जो बीट रूट होता है उसको आप अच्छे से ग्रेट कर लें और उसके साथ में अरारोट को मिक्स कर दें, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। मिक्स करने के बाद में उसको छान लें और छान करके उसको सुखा दें, तो आपका पिंक कलर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको येलो कलर बनाना है तो जो संतरे होते हैं यानी ऑरेंज होता है उसका जो छिलका होता है उसको आप मिक्सी में थोड़े पानी के साथ में पीस लें और उसके साथ में अरारोट को मिक्स करें, मिक्स करके छान लें और उसको सुखा दें, तो आपका येलो कलर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कलरफुल अपने जो कलर्स है वो बना सकते हैं घर की ही चीजों से। इसके अलावा पर्पल कलर की गोभी भी मिलती है, कॉलीफ्लावर भी मिलता है, पर्पल कलर का आपको मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से मिक्सी में पीस लीजिए पानी के साथ में और छान करके, मतलब अरारोट के साथ में मिक्स करके छान लीजिए, तो आपका एक और कलर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप और भी कलर्स बना सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि मैंने घर पर ही फूड कलर बनाने का तरीका भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। उससे मैंने बिल्कुल घर के सामान से ही फूड कलर बनाना सिखाया था, तो उन फूड कलर्स को भी आप यूज करके अपने होली के कलर्स बना सकते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से सारे प्रॉब्लम्स यानी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया होगा, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ना किसी भी रेसिपी में, यानी इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगी। और अगर जो घर के सामान से मैंने जो कलर्स बनाना सिखाया है ना, पालक से या चुकंदर से, जिस तरह से अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, वैसे नहीं होगी बट अगर होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप ये कलर्स बनाइए, आपके कैसे बने कलर्स वो मुझे जरूर बताइएगा, अपने पिक्चर्स में शेयर कीजिएगा, और अच्छी बनती है तो उसके बाद में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर से मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ में, यूनिक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।